हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्काई फोटो एडिटिंग चैनल। अगर आप भी इंस्टाग्राम वायरल फोटो एडिटिंग कर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। आज हम कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंड इसमें जितने भी PNG लगेंगे वो सारे PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड बैकग्राउंड का भी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करना, वहाँ पास मेरा इंस्टा ID भी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो ऐप की ज़रूरत पड़ने वाली है। दो ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है पिकसेट एंड सेकेंड ऐप का नाम है लाइटरूम एप्लीकेशन। एंड इन दोनों ऐप की मदद से आज हम फोटो एडिट करने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना टाइम पास करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। 3, 2, 1 गो। आ गए हैं अपने पिकसेट एप्लीकेशन पर। एंड पिकसेट एप्लीकेशन पर आ जाने के बाद आपको जो ये वाला बैकग्राउंड को ले लेना है। एंड बैकग्राउंड को ले लेने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है अपने इफेक्ट पर आ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इफेक्ट पर आने के बाद आपको ब्लर पे आ जाना है। एंड ब्लर आपको कर देना है इस बैकग्राउंड को, तो ब्लर कुछ हम 8 पर रख देते हैं इतना। एंड इसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर साइड में इरेज दिख रहा होगा, उससे क्लिक कर लेना है। इसे जो इरेज कर लेते हैं, इस टाइप से इरेज कर देना है एंड डन कर देना है। एंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐड फोटो पर आ जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐड फोटो पर आने के बाद आपको जो है इस वाले फोटोज़ को एंड अपने फोटोज़ को ले लेना है। इस वाले PNG को आपको लेकर आपको ब्लेंड पर आ जाना है एंड यहां से आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसे पीछे की ओर रख देते हैं एंड अपने फ़ोटो को ले लेना है, ठीक है फ्रेंड। एंड फ़ोटो को ले लेने के बाद आपको क्या करना है, साइड में रेस दिख रहा होगा उसे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पास पर्सन को कर लेना है क्लिक। एंड यहाँ पास फ़ोटो जो कट हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो हमारा कुछ इस टाइप से है एंड कट हो गया। एंड जहाँ जानी होगा वहाँ पास हम कट कर सकते हैं, तो देख सकते हो कि अच्छे तरह से कट हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है एंड फोटो को फिट कर लेते हैं। फिर कुछ इस टाइप से फिट करने के बाद आपको इरेज पर आ जाना है एंड आपको जो इरेज का कैपेसिटी हार्डनेस को कम कर देना है। एंड यहाँ पर जो आपको हल्का हल्का नीचे से मिटा देना है, एंड यहाँ से डन कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आपको फिर से ऐड फोटो पर आना है एंड ऐड फोटो पर आने के बाद इस वाले फूल को ले लेना है एंड हल्का सा छोटा करके जो साइड में रख देते हैं, तो कुछ इस टाइप से साइड में रख देना है फ़ोटो को। एंड फ़ोटो को रख देने के बाद आपको जो है डन कर देना है, ठीक है फ्रेंड। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप का पोज दें, अलग अलग भी आप पोज दे सकते हैं एंड फिट कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ पास आपको फिर से नेक्स्ट टूल पे आना है, टेस्ट पर आ जाना है एंड यहाँ पास हम टेस्ट लिखेंगे वेटिंग, पहले वेटिंग लिख देना है, तो ये वेटिंग लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पास से आपको फ्रंट दिख रहा होगा स्टाइलिश वाला, तो हम ये वाला ले लेते हैं एंड और बहुत सारे हैं तो आपके ही अपने हिसाब से देख लेना। एंड ये वाला ले लेते हैं एंड यहाँ से आपको रेड कलर पे ले लेना है एंड स्ट्रोक पे आना है एंड ब्लैक ले लेना है एंड इस टाइप से कर देना है एंड इसे जो हल्का सा फिट करेंगे इस टाइप से, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इसे फिट करने के बाद आपको जो है फिर से टेस्ट पर आ जाना है एंड यहाँ पास आपको जो है फॉर यू लिख देना है, फॉर यू। एंड यहाँ से आपका जो कलर है इसे ब्लैक ले लेना है एंड स्ट्रोक पर आना है, वाइट ले लेना है इसको एंड हल्का सा छोटा करके इसे जो है हम यहाँ पास फिट करेंगे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से हो गया है, तो इसे कट कर देना है। एंड यहाँ पास टेस्ट पर आने के बाद आपको लिख देना है फॉर यू,
एंड फॉर यू लिखने के बाद यहाँ पर आपको छोटा कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। एंड कलर पे आना है एंड ब्लैक ले लेना है, एंड स्ट्रोक पे आना है एंड वाइट कलर ले लेना है। एंड हल्का से इस टाइप से फिट करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको डन कर देना है यहाँ पास। एंड डन करने के बाद हमारा फ़ोटो जो बन गया है, एंड फ़ोटो बन जाने के बाद आपको जो है ड्रॉ टूल पे आना है। एंड ड्रॉ टूल पे आने के बाद इस फ़ोटो को कर लेना है सेव, तो इस फ़ोटो को कर लेते हैं सेव। एंड यहाँ से हम लाइट रूम एप्लीकेशन पर लेंगे इस फ़ोटो को। तो फ्रेंड्स हम लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो ये मेरा लाइट रूम एप्लीकेशन ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं। एंड जो आप पिक साइड से फ़ोटो को सेव किए थे उस फ़ोटो को ले लेना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। लाइब्रेरी में आना है, अब यहाँ से आपको ऐड फोटो पर आ जाना है। एंड यहाँ से उस फ़ोटो को ले लेना है जहाँ से हम लोग सेव किए थे पिक साइड से। तो हमारा फ़ोटो आ गया है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस फ़ोटो को ले लेने के बाद आपको जो है ऑटो टूल पे आना है, ऑटो टूल कर देना है। एंड यहाँ पास ब्राइटनेस पे आ जाना है, यहाँ का जो कॉन्ट्रेस्ट है उसे आपको लो कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड हाईलाइट्स को बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है। शैडो को हल्का सा माइनस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप से होने के बाद आपको फिर से कलर टोन पे आना है एंड सैचुरेशन को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। एंड यहाँ मिक्स कलर पे आना है एंड सेकेंड वाला कलर का जो है सैचुरेशन को हल्का माइनस करेंगे, एनिमेशन को बढ़ा देंगे इस टाइप से। एंड ब्लू कलर पे आना है, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर का जो चेंज होगा इस टाइप से रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से आप देख सकते हैं पहले कुछ इस टाइप से था एंड फोटो अब इस टाइप से हो गया है। एंड आपको नेक्स्ट टूल पे आना है एंड टेक्सचर को 20 रख देते हैं एंड क्लैरिटी को भी हल्का से बढ़ा देंगे एंड इसे भी हल्का से बढ़ा देंगे। एंड वेग नाइट को कुछ इस टाइप से रख देना है एंड हर एक पॉइंट बढ़ा देते हैं। एंड आपको जो है यहाँ पास नेक्स्ट टूल पे आने के बाद शार्पिंग को भी बढ़ा देना है एंड इस वाले ऑप्शन को एक एक बढ़ा देना है। एंड इस लास्ट वाले डिटेल को आपको जो है 55 रख देना है एंड स्मूथ को भी, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम फोटो को देख लेते हैं किस टाइप से एडिट हुआ है, तो आप देख सकते हैं फ़ोटो जो हमारा कुछ इस टाइप से था एंड लाइट रूम एप्लीकेशन से कुछ इस टाइप से हो गया है। एंड यहाँ से आपको जो यहाँ से अपने फ़ोटो को कर लेना है सेव, तो अगर फ़ोटो अच्छा एडिट हुआ होगा तो वीडियो को कर लेना लाइक। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।